गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पार्ट 5, जिसका नाम है पकौड़ी। बच्चों, आपने तो पकौड़ी के बारे में सुना ही होगा, सबके घर में बनता है। आज उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। छोटी सी एक कविता है जिसे हम आप सबको बताएंगे। पकौड़ी के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों की पकौड़ी बन सकती है। बच्चों, सबके घर में तरह तरह की पकौड़ियाँ बनती होंगी, उसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। पकौड़ी बच्चों प्याज की बनती है, बैंगन की बनती है, लौकी की बनती है जिसे हम लोग घिया भी कहते हैं, आलू की बनती है, पालक की बनती है, तो कई प्रकार की पकौड़ियाँ बनती हैं। सबकी अलग अलग पसंद होती है, उस तरह से सब लोग अपने अपने घर में पकौड़ियों को बनाते हैं। अब बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या रुचि है उनकी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। बच्चे कितने खुश होते हैं जब उनके घर में पकौड़ी बनती है, उसी के बारे में यह बता रहा है। बच्चों, आप सबकी पसंद क्या है पकौड़ी में, ये आप लोग हमें बता सकते हैं कि हमें यह चीज़ की पकौड़ी पसंद है। और जिस चीज़ की भी पकौड़ी जिसको पसंद है, उसका वो अपने कॉपी पे चित्र बना सकता है, उसको अपनी इच्छा अनुसार जिस रंग का वो होता है कलर, जैसे आलू है तो उसको आलू के रंग का कर देंगे, बैंगन है तो बैंगनी कलर से कर देंगे, लौकी है तो उसको हल्के हरे रंग से कर देंगे, तो हर तरह के पालक है तो उसको हरे रंग से कर देंगे। इस तरह उसका चित्र बनाकर आप अपनी कॉपी में उसको रंग भर सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ की पकौड़ी पसंद है और हम अपने घर में इसकी पकौड़ी ही बनवाते हैं। उसी में जो कवि है वो पकौड़ी के बारे में अपनी पसंद को बता रहा है। सबसे पहले बच्चों हम आप लोगों को इसे पढ़ना बताएंगे। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। तो पकौड़ी तो दौड़ नहीं सकती बच्चों। दौड़ने का मतलब ये है कि जब हम तेल में पकौड़ी को डालते हैं तो अपने आप ही तेज़ी से उसमें दौड़ने लगती है, इधर उधर घूमने लगती है। कभी भी गर्म तेल में हम डालेंगे पकौड़ी को तो वो छन छन करके इधर उधर दौड़ने लगती है। तो उसी को बता रहा है कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। उसने पकौड़ी डाला और कढ़ाही में वो दौड़ी दौड़ी इधर उधर हो रही थी। छुन 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 तेल में नाची और छन छन की आवाज़ करते हुए, एक छन छन की आवाज़ होती जब भी हम गर्म तेल में पकौड़ी को डालते हैं, छन छन की आवाज़ करते हुए तेल में नाची और तेल में वह नाचने लगी। छन छन की आवाज़ की पकौड़ी ने और तेल में नाचने लगी। प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाथ में उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, पकौड़ी जो है दौड़ती दौड़ती आई। पहले हमने तेल में डाला तो छुन छुन करके उसमें नाचने लगी, छन छन की आवाज़ करते हुए उसमें इधर उधर नाचने लगी। प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, और जब प्लेट में आई और थोड़ा सा वह ठंडी हो गई, यानी पकौड़ी शरमा गई। प्लेट में आई शरमाई पकौड़ी, वह तेल में आकर थोड़ी सी ठंडी हो गई। यहाँ जो सरमाई से जो तात्पर्य है वो क्या है, ठंडे होने से। प्लेट में जब उसमें रहती थी तो खूब नाच रही थी तेल में, अब जब प्लेट में मैंने निकाल दिया तो वो शरमाने लगी पकौड़ी। हाथ में उछली मुंह में पहुँची, और जब मैंने उसे हाथ में उठाया वो थोड़ी सी गर्म थी तो मैं इधर उधर हाथ में उसे घुमाने लगा, क्या इधर उधर उछालने लगा कि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। क्या होता है, जब कभी भी कोई चीज़ हम गर्म हाथ में अचानक से उठा लेते तो हम इधर उधर हाथ में उसको नचाने लगते हैं ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। तो उसने क्या किया, पहले हाथ में पकौड़ी को उठाया और इधर उधर हाथ में घुमाने लगा क्योंकि पकौड़ी बहुत तेज़ गर्म थी। और दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, और जो पकौड़ी थी वो दौड़ी दौड़ी तेल में ऐसे ही बाकी की पकौड़ियाँ दौड़ी दौड़ी उसमें घूम रही थी।
पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। और पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जब मैंने खा लिया, घबराई मतलब वो जाके फूल गई पेट में, जब मैंने बहुत सारी पकौड़ियाँ खा ली तो मेरा पेट फूल गया। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, और बाकी की जो पकौड़ियाँ थी वह कड़ाही में नाच रही थी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी इधर उधर नाच रही थी, जैसे तेल गर्म था खोल रहा था उसमें पकौड़ी डाला जा रहा था तो इधर उधर वो आती जाती रह रही थी, यानी दौड़ती रह रही थी, तेल में इधर उधर नाच रही थी। मेरे मन को भाई पकौड़ी, और मेरे मन को तो बहुत भा गई पकौड़ी, मेरे मन को पकौड़ी बहुत अच्छी लगती, किसी भी चीज़ की पकौड़ी मेरे मन को बहुत ही अच्छी लगती। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, और जो पकौड़ी है वो दौड़ी दौड़ी आ रही थी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ में उछली मुंह में पहुँची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। जो पकौड़ी थी वो मेरे मन को बहुत ही भा गई थी। बच्चों इस पाठ में जो भी एक्सरसाइज बुक अभ्यास है वो आपको लिखकर दे दिया जाएगा, जो कि आपको बुक में भरना रहेगा। और दूसरी बात, हर कविता की आपने 4 लाइन या 6 लाइन लिखा है तो इस कविता की भी आप लोग 6 लाइनें ऊपर की 6 पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।